morning, children. Welcome to online classes of Heritage Public School. How are you? I hope you all are doing well. Okay, children. So today we are going to start our new chapter. In last class, we completed our third chapter. So today we are going to start our fourth chapter, that is our neighborhood. So please check out your books and open page number 17. So children, our chapter is our neighborhood. I hope you all open this page. So the people, the places and the things around our house are what we call our neighborhood. जो लोग, जो places, जो जगह हमारे घर के आसपास होती है, हमारे घर के आसपास होती है, उसको हम कहते हैं हमारा neighborhood area, हमारा आस पड़ोस का area. neighborhood means आस पड़ोस का area, आसपास हमारे क्या है. तो जो भी लोग होते हैं, जो भी places होती है या जो भी चीज़ें होती हैं, जो हमारे घर के पास होती है, उसको हम कहते हैं हमारा neighborhood. People who live near our house are called our neighbors. जो लोग हमारे घर के पास रहते हैं उनको हम कहते हैं हमारे नेबर्स, यानी कि हमारे पड़ोसी. वी शुड बी हेल्पफुल टू आवर नेबर्स. हमें हमेशा हेल्पफुल नेचर रखना चाहिए, हमेशा हमारे नेबर्स के लिए, जो भी हमारे आसपास रहते हैं, हमेशा हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए. देयर कैन बी मैनी प्लेसेस इन अ गुड नेबरहुड. वहाँ पर बहुत सारी प्लेसेस होती है कि अच्छे नेबरहुड में. अब वो प्लेसेस कौन कौन सी होती हैं? All the things and services that we need are available in our neighborhood. हमारे आसपास वो सारी ज़रूरत की चीज़ें, वो सारी सर्विसेज अवेलेबल होती है जो कि हमें डे टू डे लाइफ में उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है. ओके, अब कौन कौन सी जगह अवेलेबल होती है नेबरहुड में वो हम देखेंगे. सो कौन कौन सी द प्लेस इन आवर नेबरहुड आर अ मार्केट. एक मार्केट ऐसी जगह होती है जो हमारे आसपास, आप सबके घरों के आसपास मार्केट होगा, शॉप्स होगी जो कि आपको आपकी ज़रूरत का सामान सेल करती है, जैसे कि आपकी ग्रॉसरी की शॉप हो गई, ग्रीन ग्रॉसर्स हो गई, ये सब आपके आसपास के एरिया में होंगे. सो दैट इज़ वी कॉल्ड अवर मार्केट. तो मार्केट, हर घर के आसपास मार्केट होता है, तो उसको हम हमारे नेबरहुड एरिया में इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट हो गया हॉस्पिटल. हॉस्पिटल भी हमारे सबके घर के आसपास रहता है, जहाँ हम बीमार हो जाते हैं, सिक हो जाते हैं, तो हम वहाँ पर दिखाने जाते हैं. सो लेट्स टर्न आउट द पेज. नाउ पार्क. पार्क भी हमारे सबके घर के आसपास होता है, जहाँ हम हमारी शाम को हम प्ले करने जाते हैं, एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं लोग वहाँ पर, तो पार्क भी हम सबके आसपास होता है. पोस्ट ऑफिस, ऑफकोर्स पोस्ट ऑफिस भी होता है, जहाँ हम लेटर्स को लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि वो जहाँ हमने एड्रेस लिखा है वहाँ वो पहुँच सके. नेक्स्ट है अ केमिस्ट शॉप. एक दवाइयों की दुकान भी वहाँ पर सबके पास होती है. नेक्स्ट अ स्कूल. स्कूल भी हमारे नेबरहुड एरिया में ज़रूर से ही होता है, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है. एक रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, कोई स्वीट शॉप हो गई, वो भी हम सबके आसपास होती है. नेक्स्ट हो गया सिनेमा हॉल. ऑफकोर्स इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि सिनेमा हॉल हमारे घर के आसपास हो, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है बहुत दूर हमें जाना पड़ता है, घर के आसपास ही हमें वो मिल जाता है. ठीक है, टेंपल, मॉस्क्यूज, गुरुद्वारा, चर्च, ये भी कुछ वर्शिप के प्लेसेस हैं जो कि हमारे घर के आसपास होती हैं. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक. सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ मार्केट, ये हमारे घर के आसपास होता है. हॉस्पिटल हमारे घर के आसपास होता है. नाउ पार्क हमारे घर के आसपास होता है. पोस्ट ऑफिस, दिस इज़ पोस्ट ऑफिस. केमिस्ट शॉप, स्कूल एंड रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, ये दोनों ज़रूरी नहीं है हमारे घर के आसपास हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत दूर हमें इनके लिए जाना पड़ता है, ये भी हमारे घर के कुछ ही दूरी में हमको मिल जाता है इजीली. टेंपल्स, मॉस्क्यूज, गुरुद्वारा, चर्च, ऐसी जगह भी हमारे घर के आसपास होती है जहाँ पर हम पूजा करने जाते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो जॉय सेज वी नीड टू कीप अवर नेबरहुड क्लीन, ग्रीन एंड सेफ. हाँ, ये ज़रूरी है कि हम हमारा नेबरहुड, जो हमारे आसपास के एरिया है, उसको क्लीन रखें ताकि कोई भी डिजीज़ वहाँ पर ना आ सके, उसको ग्रीन रखें ताकि एनवायरमेंट अच्छा रहे, पोल्यूशन वहाँ पर ना रहे, कोई बीमारी ना हो, और सेफ भी रहे हमारा नेबरहुड. तो हमेशा हमें हमारे घर के आसपास के एरिया को सेफ, क्लीन एंड ग्रीन रखना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स कंक्लूड अवर चैप्टर.
The places near our house are called our neighborhood. Good neighborhood has many places, बहुत सारी places होती हैं, like market हो गया, chemist shop हो गई, park हो गया, hospital हो गया, post office हो गया, school हो गया, ये सब हमारे घर के आसपास होता है. We should keep our neighborhood always clean. Okay children, so for today your homework is what? You have to learn the names of the things that is present in our neighborhood. Like park, post office, you have to learn the name of these things. Okay children, we will meet in next class.